उन्नाव जिले के अजीजपुर के निवासी बीडीसी सुनील कुमार ने मुख्य विकास अधिकारी को दिए शिकायती पत्र में बताया, यहाँ के प्रधानपति चंद्रसेन ने यहाँ विकास के नाम पर जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। ना तो यहाँ किसी व्यक्ति के शुद्ध शौचालय बने हैं और ना ही रोडों का विकास है। यहाँ तक कि पंचायत भवन में भी सीट तक नहीं रखी गई है। वहीं के एक निवासी ने बताया, प्रधान ने शौचालय में ना ही सीट रखाई है और ना ही छत। अब देखना यह है अधिकारी इसमें क्या एक्शन लेते हैं। क्या नाम है आपका? ये बताइए, शौचालय आपको मिला है जी? किस प्रधान ने दिया है? जमुना देवी ने। क्या दिक्कत है उनसे? शौचालय के बारे में कहा नहीं है, ऐसे शौचालय होने चाहिए। क्या कहा? तो हमने कहा था ऐसे शौचालय बन रहे हैं, मोदी जी ने जो दिया है, तो हमसे बोल रहे थे 600 रुपए आपको और देना है गड्ढा खुदाने के लिए। अच्छा, 600 रुपया गड्ढा खुदाने के लिए दो तो ये चालू होगा। और एक हमने वीडियो बनाया था व्हाट्सएप पे, तभी ये भी नहीं पड़ा हुआ था। जो हमने व्हाट्सएप पे बना के डाला था तब तो जाके ये रखे पत्थर जो रखे जाते हैं जी। और ऐसी बहुत सारी लेटरिने हैं जो बनी हुई है, तो चालू भी नहीं है और आधे ज्यादा लोगों को तो मिली ही नहीं है। सब जितने शौचालय है सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं? सारी कमियां हैं, कुछ ना कुछ नहीं है, सारी कमियां हैं जी। बताइए, यहाँ पर कोई ऐसी छत नहीं जिसमें लेटरिंग आदमी बैठ सके। कौन है ग्राम प्रधान आपका? चंद्रसेन प्रधान। तो क्या कोई विकास कार्य इन्होंने कराया नहीं? कोई कराया है तो किसी की लेटरिंग बनवाई, किसी के समझ लो सीट नहीं डराई, किसी की छत नहीं डरवाई, कोई बैठे तो कहा उसी में तुप जाए, ऐसी छत है। शुभ नाम बताइए अपना। जी भैया लाल। किस ग्राम सभा के निवासी हैं? ग्राम पंचायत अजीजपुर विकासखंड नवाबगंज जनपद। कौन है ग्राम प्रधान आपका? ग्राम प्रधान जमुना देवी। क्या दिक्कत आ रही है आपको इनसे? क्या मामले हैं इनके? समस्या ये है कि हमारे ग्राम पंचायत में जो भी शौचालय इन्होंने बनवाए हैं, कोई भी शौचालय ग्राम पंचायत में वर्तमान की स्थिति में चालू हालत में नहीं है। एक भी शौचालय ऐसा नहीं है जो ग्राम प्रधान के द्वारा बनवाया गया हो जी। और उसका आज तक कोई भी लाभार्थी उसका उपयोग कर रहा हो। किसी भी शौचालय में ना तो उसमें दरवाजा लगा हुआ है, ना किसी शौचालय में छत नहीं है, किसी में सीवर नहीं है, किसी में सीट ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो शौचालय का प्रयोग कर पाएगा? और हमने यही डिमांड करी थी कई अधिकारियों से, हमने डीएम साहब को, सीडीओ साहब को, यानी ब्लॉक स्तर पे 5 साल से लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जांच आज तक नहीं हुई है। जबकि हमारे और क्या विकास में इनकी दिक्कत आ रही है इनके, जब से ये प्रधान है? कितने वर्षों से ये प्रधान है? ये 1995 से 2000 रहे हैं, 2000 से 2005 तक रहे हैं और 2010 से 15 रहे हैं, 15 से 20 तक इनकी वाइफ कार्यकाल रहा है। इन्होंने अभी तक कौन कौन से विकास कार्य नहीं कराए हैं जो अभी अधूरे हैं? इनका एक विकास कार्य ऐसा है, ये देखिए बगल में पंचायत भवन बना हुआ है, इस पंचायत भवन का रिपेयरिंग के लिए इन्होंने 2011 में कुछ पैसा निकाला है, 2011 में इन्होंने कोई काम नहीं करवाया है। 2011 के बाद 2017-18 में इन्होंने इसकी कार्ययोजना डाली थी, उसको रिपेयरिंग का काम आज तक जारी है, अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसीलिए विकासखंड के कर्मचारियों द्वारा इनका भुगतान रोका गया है। जो कि काम ही नहीं कराया, मुश्किल से 15 से 20 हजार 30 हजार रुपए का काम कराया होगा, पूरा भुगतान मांग रहे हैं, इसलिए इनका भुगतान। आवास की क्या स्थिति है? आवास की हमारे ग्राम पंचायत में इस 2020-21 में केवल 3 आवास आए हैं, वो तीनों आवास क्या पात्रों को मिले कि अपात्रों को? नहीं, वो जो आवास मिले हैं वो पात्रों को ही मिले हैं।